जय हिंद जय भारत। अगर किसी व्यक्ति के पेशाब में जलन होता है और उसके पेशाब में जो है पीलापन भी आता है, आखिर ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसे जो है यूटीआई कहा जाता है, यानी यूटीआई इन्फेक्शन, ये होता क्यों है, आखिर ये क्या है। देखिए, ये जो है शरीर में सबसे पहले जो है अगर बहुत गर्मी बढ़ जाती है, जिसको तापमान कहते हैं, शरीर में अगर तापमान अधिक हो जाती है यानी गर्मी हो जाती है, तो उससे जो है पेशाब में जो है पीलापन होने लगता है और जलन भी थोड़ा जो है आने लगता है। इसके साथ साथ जो है अगर शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, अगर हम जो है पानी कम पीते हैं, अगर शरीर में अगर पानी की मात्रा कम हो जाएगी, तो इससे होगा ये कि जो है शरीर में जो है तापमान बढ़ेगा। पानी की कमी से क्या होगा, शरीर में तापमान में वृद्धि होगा, और उससे होता ये है कि पेशाब में जो है जलन और पीलापन दोनों होने लगता है। उससे जो है अनेक तरह के जो है बीमारी से हम घिर जाते हैं। अगर शरीर में ये इन्फेक्शन हो गया किसी को, अगर पेशाब में जलन होता है या पीलापन आते हैं, तो वह जो है अनेक बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। कैसे, तो वह जो है अनेक समस्या से सबसे पहले क्या हो जाती है, गंभीर हो जाते हैं। कौन, जिसके पेशाब में जलन और पीलापन होते हैं, जो आप ये देख सकते हैं, ये जो है पीलापन जो है किस तरीके से है, और वैसे ही जो होता है जब ये पीलापन पेशाब जो निकलते हैं ये यूरिया के रूप में, तो वह क्या होता है, जलन करने लगता है, क्या होने लगता है, जलन होता है, और उससे जो है असर होता है किडनी पर आते हैं। यानी जब ये बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, तो वह जो है उसका असर डायरेक्ट हमारे किडनी पर पड़ते हैं। वो किडनी कहाँ रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं किडनी दोनों ओर, तो ये क्या होता है, ये गड़बड़ हो जाते हैं। अगर समझ लीजिए कि एक बार अगर किडनी फेल हो गया तो हाँ ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किडनी को जो है कम से कम बचा करके रखना चाहिए। इसलिए जो है ना पानी की जो है मात्रा अधिक देना चाहिए शरीर में, एक रोज कम से कम एक रोज में, यानी 4 से 5 लीटर जो है ना पानी पीना चाहिए। इससे होगा क्या, तो अनेक बीमारी से हम जो है छुटकारा मिलेगा, हमें किसी बीमारी से हम ग्रस्त नहीं होएंगे, क्योंकि गर्मी नहीं बढ़ेगा, पूरे शरीर जो है साफ सुथरा रहेगा, पूरे फिल्टर होगा शरीर में। और इसका जो प्राइवेट पार्ट सब है शरीर में, अनेक प्राइवेट पार्ट है, ये सब भी क्या होते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं यानी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो सबसे जो है बचना चाहिए। और अधिक जो है ना जिसके पेशाब में और जलन होते हैं, पीलापन आता है उसको पेशाब, उसमें जो अधिकतर महिला को होता है कि यूरिनरी यानी यूरिनरी ट्रैक्ट जो है इसका इन्फेक्शन हो जाती है। इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या होते हैं, ये इन्फेक्शन होते हैं इसमें, तो महिला में, ये महिला में जो अधिक संभावना रहती है किस चीज की, इन्फेक्शन होने की, क्योंकि ये सब जो है पानी भी बहुत कम पीते हैं। और किसी महिला को अगर खाते वक्त देखोगे तो खाता है बहुत मतलब, और पानी जो है ना एक गिलास पानी लेकर बैठेगा तो उसी में उसको जो है सब काम हो जाते हैं, पानी पीने से लेकर के हाथ धुलाई तक जो है ना एक एक गिलास में ये निपट लेता है, ये महिला सब करता है। तो उन लोगों को जो है अधिक ये संकट जो है ये बीमारी होने की अधिक संभावना रहती है, उसीलिए जो है पानी की जो है डोज अधिक बढ़ाना चाहिए, जिससे हो कि तो किसी प्रकार की बीमारी ना हो। यानी ये जो है बहुत ही गड़बड़ बीमारी है, कम शरीर में जो है पीलापन आते हैं जो पेशाब में, और जलन जो आते हैं वो बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाते हैं आगे चल करके। और इसका जो है इससे हमें छुटकारा अगर किसी व्यक्ति को हो गया, तो उससे हमें छुटकारा भी पाना है, तो उसके लिए जो है ठंडा पदार्थ जो है उन्हें सेवन करना चाहिए। एग्जाम्पल में ले लेते हैं आंवला, आंवला के जो है ना रस यानी जूस, इसको जो है सेवन करना चाहिए। क्यों, कि आंवला में जो है ना विटामिन सी रहता है, भरपूर सी रहता है विटामिन का, किसमें, आंवला। आंवला के नाम सुने हो, अपने जो है भाषा में हम कहते हैं इसको धात्री भी कहा जाता है, धात्री यानी इसको आंवला कहते हैं, बहुत आदमी बहुत जगह जो इसको लिखिया भी कहा जाता है, तो उसको जो है सेवन करना चाहिए। इसके बाद पुदीना आते हैं, क्योंकि ये भी जो है ठंडा होता है, पुदीना भी जो है ठंडा होते हैं। इसके बाद नारियल पानी, नारियल पानी जो है ये भी बिल्कुल ठंडा होते हैं, इस सबका जो है सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। अगर इससे नहीं हो तो दुकान में जो मिल जाता है किशमिश, इसको जो है भर रात भिगो करके रख देंगे, सुबह में जो है खाली पेट में इसको सेवन करेंगे, इससे भी क्या होगा तो
ये बीमारी जो है हमसे दूर रहेगा, भाग देखेगा भाग जाएगा, शरीर में जो है एवे नहीं करेगा इसका कीटाणु, समझ गया ना। इसलिए जो है पानी की डोज कभी कम नहीं करना चाहिए, नहीं तो अनेक तरह के जो है बीमारी घिर जाते हैं शरीर में। और फिर हम मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।